दूसरा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसकी सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सी हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। दैट मींस जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनकी इमेज हम नेक्स्ट आई से नहीं देख सकते, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो बायोलॉजी लैब में होता है आपके में, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन के बाद लिखेंगे इसका प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे? अब देखो ये होता कैसा है, इसका डायग्राम देखें। सबसे पहले इसमें क्या होते हैं बेटा? दो लेंस होते हैं। कितने लेंस लगे होते हैं? दो। एक तो किसके पास होता है? ऑब्जेक्ट के पास। और दूसरा किसके पास होता है? आई के पास। जिस ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है उसके पास जो लेंस लगाया जाएगा उसको बोलूंगा मैं ऑब्जेक्ट लेंस। द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट लेंस। दूसरा होता है बेटा कौन सा लेंस? आई लेंस। द लेंस नियर द आई इज नोन एज आई लेंस। देखो इसमें एक लेंस आपको छोटा दिख रहा होगा, एक लेंस बड़ा दिख रहा होगा, ये गलती से नहीं हुआ है। जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस लगा हुआ होता है उसको तो बोलते हैं कौन सा लेंस बोलो? ऑब्जेक्ट लेंस। जो आई के पास है उसको बोलते हैं भाई आई लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ वाला लिया जाता है और आई लेंस कैसा लेते हैं भाई? बड़ी फोकल लेंथ वाला। समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट है और आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर है? ये प्रिंसिपल एक्सरसाइज का। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया किसका भाई? ऑब्जेक्ट लेंस का। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग ओई लिखेंगे ना। और ये वाला लेंस कौन सा है? आई लेंस। आई लेंस में भी क्या मालूम? ओ डैश। अच्छा इसकी फोकल लेंथ एफ डैश और ये हो गई इसकी फोकल लेंथ एफ, ठीक है। इसको मालूम है एफ ओ। क्या लिख दूं बेटा यहाँ पर? एफ ओ। तो क्या ये भी एफ ओ होगी? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एफ ओ है तो इसको एफ ओ डैश मालूम, तो दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ अगर एफ ओ है तो ये कितनी होगी बोलो? टू एफ ओ। समझ में आ गई बात? नहीं, ये शॉर्ट फोकल लेंथ का है, इसकी फोकल लेंथ क्या है बेटा? ज्यादा है। दैट मींस अगर इसकी फोकल लेंथ इतनी है तो इसकी और ज्यादा होगी। दैट मींस इसकी यहाँ मान लें हम लोग फोकल लेंथ ऑफ आई, किसकी? फोकल लेंथ ऑफ आई। इधर भी होगी ना फोकल लेंथ ऑफ आई यहाँ पर भी। बोलो यहाँ तक क्लियर है? क्या लिखा हम लोगों ने प्रिंसिपल इन कंस्ट्रक्शन में? क्या लिखेंगे पहले? कंस्ट्रक्शन देखो अगर मैं माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो कितने लेंसेज से रखकर बनाए? तो एक ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं उसके बोलेंगे ऑब्जेक्ट लेंस। एक हमारी आंख के पास होगा उसके बोलेंगे आई लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? कम। और आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? ज्यादा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखो इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ये है इसमें ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखते हैं भाई? एफ और टू एफ के बीच में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड टू एफ तो इसकी इमेज कैसी बनती है भाई? रियल इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज बनाना वापस सीखो। एक रे देखो पैरेलल, जो पैरेलल रही है वो इसी लेंस के फोकस से पास होगी। इसका फोकस कौन सा है? एफ ओ डैश। तो ये कहाँ से पास हो जाएगी भाई? एफ ओ डैश से पास होगी। दूसरी लेंस कहाँ से पास कराते हैं हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे पास होती है वो बिना किसी डेविएशन के सीधी पास हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? दोनों रेज जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर क्या बन जाती है बेटा? इमेज बन जाती है। दोनों रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट करी। अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज किसकी बनेगी भाई? इसकी ये बन गई इमेज, वर्टिकल बनेगी। ये रेक्ट है, वर्टिकल इमेज बन गई। अच्छा इसको मैं नाम दे दूँ ऑब्जेक्ट को ए बी। जो इमेज बनी उसको मैं नाम दे देता हूँ बेटा ए डैश और ये बी डैश। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गई? इसके बाद देखो अब जो इमेज बनी है ऑब्जेक्ट लेंस से वो आई लेंस के लिए किसका काम करेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, है ना। फर्स्ट लेंस से जो भी इमेज बन रही है सेकंड के लिए किसका काम करती है? वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। दैट मींस अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। और इस लेंस की फोकल लेंथ पर रखा हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट बताना मुझे। अरे इस लेंस की फोकल लेंथ पर एक नहीं है ऑब्जेक्ट? हाँ। ये इसकी फोकल लेंथ है और फोकल लेंथ पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? इमेजिनरी। ये कंडीशन बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह हो गई। क्लियर है? देखना अब यहाँ से मैं ये गई रे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वाली रे। बोलो कहाँ से पास हो गई है? फोकल से पास हो गई। दूसरी रे कहाँ से पास करा दो? ऑप्टिकल सेंटर से। क्या ये दोनों रे आगे कब मिलेंगी क्या? देख लीजिए अगर मैं इनको पीछे मिलाऊं तो किसी पॉइंट पर मिल जाएंगी और जहां पर मिलेंगी वहां पर इमेज कैसे हो जाएगी हमारी? इमेजिनरी बन जाएगी। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? देखना ये इनको मैंने पीछे मिलाया तो ये बन गई बताइए इमेज बन। जहां पर भी इमेज बनेगी यहाँ पर भी दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर इमेज बन जाती है। और इमेज किसी बनती है बोलो? वर्टिकल बन रही है और बड़ी बन रही है।
ये ऑब्जेक्ट था, इमेज किसे दिखाई देगी मेरे को बड़ी, ये ए डैश बी डैश इसको मान लो ए डबल डैश और ये हो गया। बोलो भाई ये तो हुआ इसका रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाना सबको आना चाहिए बिल्कुल क्लियर है। किसका पढ़ रहे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस लिए, ऑब्जेक्ट लेंस आई लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ, आई लेंस लार्ज फोकल लेंथ। प्रिंसिपल क्या है? व्हेन जो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड टू एफ नॉट, व्हेन इमेज किसी बनती है रियल एंड इमेजिनरी, एंड द इमेज कौन सी बनी भाई ए डैश बी डैश, द इमेज ए डैश बी डैश इज एक्ट लाइक इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट विद आई लेंस, आई के पास जो है, और इससे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है, वर्चुअल बनती है और इनलार्ज बनती है। यहाँ तक क्लियर है भाई? ये दिक्कत है यहाँ तक किसी को? क्लियर है ना यहाँ तक? अब इसके बाद किसी चीज का निकालेंगे हम लोग मैग्निफिकेशन। क्या निकालेंगे हम? मैग्निफिकेशन। हम लोग मैग्निफिकेशन क्या निकालेंगे? मैग्निफिकेशन बोले वो मैग्निफाइंग पावर बोले या एंगुलर मैग्निफिकेशन बोले, बात सेम है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ना, हम लोग क्या होता था बीटा अपॉन ए इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। यहां पर आप लिखोगे कि बीटा क्या है? एंगल फॉर्म बाय इमेज, अल्फा क्या है? एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। बीटा मैंने बताया आपको ट्रिक, बीटा में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये वाला एंगल क्या होगा भाई? हमेशा बीटा ले लो, यहां पर आम के सपोज कर लो, यहां बना लेते हैं मंदी, यहां से देख रहा है कोई भी इंसान, ठीक है, ये एंगल बीटा है। बीटा हमेशा छोटे वाले ट्रायंगल से निकालो, वैसे कैसे भी निकाल सकते हैं इसको, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिमिलरिटी आया इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। क्लियर है? पिछली बार भी ऐसे निकाला, अभी भी ऐसे निकाल रहे हैं, बीटा ऐसे निकालेंगे। अच्छा इसके बाद क्या लेते थे बोला हम लोग? बीटा एंड अल्फा इज टू स्मॉल, सो वी कैन से दैट बीटा इज इक्वल टू tan बीटा एंड अल्फा इज इक्वल टू tan। बोलो सेम है कि नहीं है? तो सेम है। अब ये इरेज कर रहा हूं अपना यहां से, ऊपर लेते हैं 10 बीटा और 10 अल्फा निकालना है। 10 बीटा तो बोलो कौन सा ट्रायंगल निकालूंगा? इस वाले ट्रायंगल, बट उससे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किससे लिखते हैं बताओ? u से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? u। तो इसके अंदर u क्या होगा बोलो? ऑब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे हम लोग? u o। ऑब्जेक्ट इसके लिए u o है, समझ में आ रही बात? यानी लेफ्ट हैंड साइड है तो बोलो साइन के साइन नेगेटिव। अच्छा इससे इमेज कहां पर बनी? यहां पर बनी। तो ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी बोलो? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? v o। इस साइड है तो पॉजिटिव लिखूंगा मैं। क्लियर? इस लेंस की कहानी खत्म। ये जो इमेज बनी है इस लेंस के लिए किसका काम कर रही है बोलो? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट काम कर रही है तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी बोलो? u e। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है, v कैसे आएगी? माइनस। और यहां से ये इमेज, इसकी इमेज कहां बनी भाई? ये तो ये क्या डबल डैश माइनस के v डबल डैश डैश क्यों लगाएं? e और o लिखेंगे हम लोग। क्लियर है? वी लिख दिया। अच्छा इमेज कम से कम कहाँ बननी चाहिए भाई? डिस्टिंक्ट विजन पर। डिस्टिंक्ट विजन पर बननी चाहिए क्या? क्लियर है? अच्छा बीटा तो चलो मैं इस वाले ट्रायंगल से निकालूंगा हमेशा। अब अल्फा कैसे निकालते हैं? अल्फा के लिए अलग से डायग्राम बना देते हैं, याद है आप लोगों को? अल्फा वाला डायग्राम कैसे बनाएंगे बोलो हम लोग? सपोज कर लो ये क्या है? ऑब्जेक्ट ए और ये बी, यहाँ से कोई इंसान देख रहा तो कितना एंगल बना अल्फा? ये कहाँ पर रखा होना चाहिए कम से कम? आगे बात नहीं आ गई। तो अब मैं 10 बीटा अगर निकालना चाहूँ क्या निकाल रहे हैं भाई? क्या लिखेंगे? एक ट्रायंगल ए डैश ओ डैश बी डैश, 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है परपेंडिकुलर? कितना बोलो? ए डैश बी डैश अपॉन बेस कितना है? सर बीटा भी है और अल्फा भी है। कौन सा? अल्फा अलग है बीटा। बीटा है इमेज से जो एंगल बन रहा है और अल्फा हम लोग यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या ये परपेंडिकुलर है? कितना है बताना? ए डैश बी डैश बेस। बेस कितना है? ए डैश ओ डैश माइनस यू लिख दो इसको, माइनस के यू। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। बोलो भाई सर 10 बीटा निकल गया। अब क्या निकालूंगा? टेन अल्फा। कैसे निकालेंगे बोलो? इसके अंदर tan alpha is equal to perpendicular AB upon BD। अच्छा ऑब्जेक्ट इधर है तो माइनस दिया जाएगा इसमें, दैट मींस AB upon में माइनस B। इक्वेशन नंबर 3। निकालना क्या है अपने को? मैग्निफिकेशन। तो क्या करेंगे? tan beta एंड tan alpha की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। क्लियर है? अच्छा ये हटा रहा हूं मैं, हटा दो बना ली डायग्राम तुमने। ये देखो इसके बाद क्या लिखेंगे भाई हम? पुट द वैल्यूज ऑफ tan अल्फा एंड tan बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो m इज इक्वल टू tan बीटा, tan बीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं a डैश b डैश अपॉन में माइनस u अपॉन में tan अल्फा
ए बी अपॉन में माइनस बी। अच्छा माइनस से माइनस काट दो, माइनस से माइनस ज्यादा जाएगा, इसको ऐसे लिख दूं मैं ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, इसको उल्टा कर देंगे ना वहां इनटू में डी अपॉन। देखो ये चल गए ले गए इसको, माइनस से माइनस चला गया, माइनस को माइनस खा गया, ये खा गया डी अपॉन यू। अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी कब आई थी बोलो, सिंपल माइक्रोस्कोप में आई थी, नहीं थी दिल्ली यूनिवर्सिटी। D upon U किसका फॉर्मूला आया था, सिंपल माइक्रोस्कोप का D upon U आया था, दैट मींस और E, E कौन सा लेंस है बोलो, आई लेंस। मैं ये कह सकता हूं कि आई लेंस इसमें जो है ना किसकी तरह बिहेव कर रहा है बोलो, सिंपल माइक्रोस्कोप। यू की जगह तो हम लिख देंगे मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस, बट ये क्या आ गया, ये ए डैश बी डैश अपॉन में भी अपने को नहीं चाहिए, हाइट से मतलब नहीं है, हम क्या देखेंगे उसकी डिस्टेंस। तो ए डैश बी डैश और ए बी की जगह भी मैं क्या लिखना चाहूंगा बोलो, डिस्टेंस। तो देखना ए डैश बी डैश तो भाई ये रहा, दिखा दो मेरे को, और ए बी कहाँ है, देखिए दोनों दो ट्राइंगल लग रहे हैं इसमें, देखना भाई ट्राइंगल ओ ए बी और ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश आर सिमिलर, इन दोनों ट्राइंगल से अपन क्या लिख सकते हैं भाई, देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, देखना क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल O A dash B dash and O A B, O A dash B dash and O A B, क्या लिख सकते हैं हम लोग, perpendicular of this triangle upon this, that means A dash B dash upon में A B, A dash B dash upon A B is equal to इसका बेस upon इसका बेस, बेस देखना A dash O upon में A O, A dash O upon में A O, सुनो ध्यान से A dash B dash अपॉन में ए डैश ओ अपॉन में ए ओ इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन में ओ बी, बट इससे हमें लेना देना नहीं है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए थी, क्या मुझे मिल गई है। अच्छा क्या मुझे ए डैश ओ पता है कितनी है, बता रहा हूं बी ओ, ए डैश ओ कितना है भाई बी ओ, यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इसको मैं किसके बराबर, ए डैश ओ किसके बराबर है भाई बी ओ, और ए ओ देखना भाई ए ओ कब है, ए ओ किसके बराबर है, मैग्नीफिकेशन के अंदर तो फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, एम इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इनटू में वी अपॉन, अरे वी अपॉन यू किसका फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, याद करो भाई मैग्नीफिकेशन का बचपन में क्या फॉर्मूला पढ़ते थे, m इज इक्वल टू v अपॉन u, या फिर ये लिख सकता हूं मैं h डैश अपॉन h, या फिर अभी ताजा ताजा क्या पढ़ा हम लोगों ने बीटा अपॉन अल्फा, ये मैग्नीफिकेशन के सारे फॉर्मूले हैं ना। तो v अपॉन u दैट मींस ये नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, आ गया समझ में, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है नॉर्मल, तो v o अपॉन u o यानी ये किसका मैग्नीफिकेशन आया ऑब्जेक्ट लेंस का, m इज इक्वल टू माइनस का साइन पहले से ही है m o इनटू d अपॉन u e, अभी निकाला हम लोगों ने d अपॉन u सिंपल माइक्रोस्कोप है ना, दैट मींस मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस, दैट मींस मैग्नीफिकेशन जो होता है जब दो लेंसों को कंबाइन कर दिया तो क्या होगा उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, m तो क्या है बेटा मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इनटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस, बोलो ऐसे गणित में आगे नहीं आ रही, दैट मींस मैं कह सकता हूं कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके अंदर जो सेकंड वाला लेंस है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप। क्लियर है यहां तक, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मेरे पास आ गया, क्या आ गया भाई, एम ओ मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इनटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है अब क्या निकालेंगे हम लोग, दो केसेस लेंगे, कितनी कंडीशन दो, कोई एक तो इमेज कहां पर बने भाई, एटलीस्ट डिस्टिंक्ट वजन, और एक हम देखना चाहते हैं स्ट्रेस फ्री आई, दो सिचुएशन लेनी है इसमें भी। सिचुएशन नंबर वन इफ द फाइनल इमेज केस फर्स्ट है, हां केस फर्स्ट है, इफ द फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस या फिर डिस्टिंक्ट विजन है ना, लिख लो इसको फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस वाले निकालते हैं, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी होती है बताओ, 25 सेंटीमीटर, कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, पता है सब लोगों को, अच्छा 25 सेंटीमीटर का मतलब है, अच्छा फाइनल इमेज कौन से लेंस ने बनाई बताओगे, ऑब्जेक्ट लेंस ने, आई लेंस ने बनाई, तो भाई ऑब्जेक्ट को तो नहीं छेड़ना हमारे को, इसकी निकालेंगे मैग्नीफिकेशन आई लेंस की, दैट मींस जो VE है VE किसके बराबर आनी चाहिए बोलो, माइनस G के बराबर,
इधर ही बन रही लेफ्ट साइड। फॉर्मूला के लिए आएंगे फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला इसके लिखेंगे 1/a इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/e। अच्छा ऑब्जेक्ट में तो अपना काम कर दिया, बात किसकी हो रही है आई की, क्लियर है। अच्छा v इज इक्वल टू तो माइनस d है और ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट कहां पर लिया गया है बोलो u इज इक्वल टू माइनस u v, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में ही दोनों लेफ्ट हैंड से माइनस है। देखना एक बार 1/fe is equal 1/v ये के लिए तो बोलो मैं 1/-kt minus 1/-ue क्या सेम सेम लग रहा है, सिर्फ माइनस को भी तरह बिल्कुल सेम है तो आएगा। देखना एक बार 1/fe is equal to minus के 1/d plus के 1/ue। फॉर्मूला क्या होता था बताओ, d upon ue होता था नहीं होता था, दैट मींस d से मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपल पे भी करा था सेम, इससे मल्टीप्लाई कर दें d से मल्टीप्लाइंग बाय d, तो क्या हो जाएगा बोलो d अपॉन fe माइनस के d अपॉन d प्लस के d अपॉन ue, d से d कट जाएगा कितना आएगा बोलो यहां पर d अपॉन fe इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस d अपॉन ue क्या होता है बोलो m होता है क्या, और m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 1 को उधर ले जाओ m इज इक्वल टू कितना आया बोलो प्लस अरे m इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस d अपॉन fe, ये किसका आया भाई m ही का आया, ये मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस है। टोटल मैग्नीफिकेशन अगर लगाना चाहूं देखो सिंपल में तो हम खाली यहीं तक छोड़ देते थे, कहां तक छोड़ देते थे यहां तक छोड़ देते थे, क्यों छोड़ देते थे क्योंकि वहां एक ही लेंस था, इसमें दो लेंस है, टोटल मैग्नीफिकेशन क्या लिखना पड़ेगा बोलो m इज इक्वल टू माइनस के m o, m o कितना था बोलो v o अपॉन u o इनटू मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा 1 प्लस d अपॉन f e, ये हो गया हमारा टोटल मैग्नीफिकेशन। दैट मींस इस सिचुएशन में जो होगी इमेज कैसे बनेगी, डिस्टिंग विजन पर बनेगी, और इमेज सबसे बड़ी बनती है डिस्टिंग विजन पर, ध्यान रखना सबसे बड़ी है फिर छोटी हो जाएगी, क्लियर है क्या। दूसरी सिचुएशन क्या लेंगे बोलो, दूसरी सिचुएशन क्या आएगी भाई स्ट्रेस फ्री, अरे यार मैं देखता हूं ना आंखों में बहुत दर्द होगा, ज्यादा देर तक नहीं देख सकता, हम चाहते हैं कि भाई रिलैक्स रिलैक्स वाले अगर आई से देखें हम लोग तो बोलो उसके लिए इमेज कहां बननी चाहिए Infinite. अरे कहाँ बननी चाहिए इनफाइनाइट में, v की जगह क्या रखूँ इनफाइनाइट, u की जगह u, आसान है। सेकंड कंडीशन इसके लिए देख रहे हैं हम लोग स्ट्रेस फ्री आई, v की जगह क्या लिखूंगा बोलो मैं इनफाइनाइट, और u की जगह क्या लिखूंगा माइनस u लेफ्ट हैंड साइड। हाँ फॉर्मूला क्या होता है बोलो, लेंथ फॉर्मूला 1/v दिख रहा है अगर डी से मल्टीप्लाई करो, कर दूंगा नहीं कर दूंगा क्या, पहले भी ऐसे करते आ रहे थे सेम है सिमिलरिटी, डी से मल्टीप्लाई कर दूं मल्टीप्लाइंग बाय डी तो क्या आएगा बोलो डी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन यू, अरे डी अपॉन यू तो वही है, वही है सिंपल सेम माइक्रोस्कोप है, हां सिंपल माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ एम ओ जो लिखी थी हमने, क्लियर होगी बात, तो ये क्या हो गई बेटा एम ई, दैट मींस एम इज इक्वल टू अगर ऐसे कर लो चलो डी अपॉन एफ इज इक्वल टू इसको जगह में एम ले लूंगा, अरे तो राजी यस सर, समझ में आ गया क्या, ये मैग्नीफिकेशन किसके लिए है भाई आई लेंस के लिए, ये टोटल अब देखो ये तो आई लेंस का आया है, अब टोटल निकालना है मेरे को तो क्या करना पड़ेगा बोलो मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू माइनस के m o into m e और m होता मेरे पास माइनस b o अपॉन u into में ये क्या हो गया d अपॉन m, चलो भाई अरे आसान है यस सर। 4 नंबर